वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष अपने वोट बैंक से डरते हैं, बीजेपी किसी से नहीं डरती। राम मंदिर ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सभी श्रद्धा केंद्रों को पुनर्जीवित किया है। अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा? उनके एक नेता ने कहा कि हमारे नेता बारी बारी से पीएम बनेंगे। चलो मैं बताता हूं, वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले लड़ रहे हैं, कोई संभावना नहीं है उनके जीतने की। मगर मानो इंडी अलायंस वाले जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, अंतिम नाम पूछता हूं, जरा भी मत हंसना। ये राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार, वो भी बड़े नेता है, वो बन सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने उनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनके एक नेता ने जवाब दिया बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरण की दुकान नहीं है, भारत देश है, ऐसे नहीं चलता। कोसाम्बी वालों मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने निकले हैं और कोरोना आएगा तो कोसाम्बी वालों को कौन बचाएगा?